हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10 का सैंपल पेपर टर्म 2 का क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। क्वेश्चन है द इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल सेल आर 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। एक स्फेयर है का सेल बना हुआ है जिसका इंटरनल रेडियस 3 सेंटीमीटर, एक्सटर्नल रेडियस 5 सेंटीमीटर, यानी कि कुछ मोटा है वो। इंटरनल अंदर वाला जो रेडियस है उसका 3 सेंटीमीटर है और बाहर मोटापा के बाहर वाला रेडियस है 5 सेंटीमीटर। और उसको इट इज़ मेल्टेड एंड रिकास्ट इन टू ए सॉलिड सिलेंडर, उसको पिघलाया गया और उसको एक सिलेंडर के रूप में बनाया गया। उसी से सिलेंडर एक बनाया गया जिसका कि डायमीटर 14 सेंटीमीटर है। वेल फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, एल्सो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो देखिए, इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर और इसका 5 सेंटीमीटर। पहले क्या करेंगे, अंदर वाला वॉल्यूम निकाल के बाहर वाला अंदर निकाल के वॉल्यूम और बाहर वाले वॉल्यूम निकाल के उसमें से घटा देना। जो आएगा उसके सॉलिड का सिलेंडर आएगा, जितना वॉल्यूम होगा वॉल्यूम निकाल के घटा देना है। दोनों का वॉल्यूम निकालेंगे घटाएंगे तो अंदर वाला जो होगा वॉल्यूम वो आएगा, और उतना ही वॉल्यूम सिलेंडर का होगा। जो सिलेंडर बनाएंगे उसका भी वॉल्यूम उतना ही होगा, उसी से बनाया गया। तो आइए करते हैं। इसका वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला स्फीयर का है 4/3 πr³ माइनस ई आउटर का निकालेंगे, फिर माइनस 4/3 πr³ इनर का निकालेंगे। आइए किसके बराबर होगा, किसके वॉल्यूम के बराबर होगा, सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर होगा, यानी कि πr² h के बराबर होगा। ये दोनों में से हम 4/3 π कॉमन ले सकते हैं। इसको ये दोनों r है तो डिफरेंस के लिए हम इसको बड़ी r³ लिख देंगे, इसको छोटी r³ लिख देंगे। π r² h, पाई से ये पाई कैंसिल, 4/3, ये है मेरा बड़ा वाला कितना 5 का q माइनस 3 का q इसकल टू हो जाएगा। और इसका रेडियस कितना होगा, रेडियस डायमीटर दिया हुआ 14 सेंटीमीटर सिलेंडर का, रेडियस 7 का² × h, 4/3 × 125 5 का q और इसका 27 = 49 h, ये हो जाएगा 4/3 × 98 माइनस करेंगे तो = 49 h, ये 3 से कट जाएगा, 3 × 2 = 6 और एक सेकेंड, सॉरी ये 3 से नहीं कटेगा, ये 4/3 × 98 = 49 h, ये 7 से कटेगा, 7 × 1 = 7 और 2 बचेगा, और 7 × 4 = 28 और यहाँ 7 × 7 = 49, 7 से फिर ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो 4 × 2 ये ऊपर में था तो 8/3 = आ गया मेरा हाइट, 8/3 मेरा हाइट आ गया। हमको हाइट ही पूछ रहा था, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, तो 8/3 आंसर हो जाएगा। अब पूछ रहा है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का 2πr और r + h, 2 × 22/7 रेडियस है मेरा सिलेंडर का 7 और 7 प्लस हाइट आया है मेरा 8/3, ठीक। ये 7 से 7 कैंसिल, ये 44 और इसका एलसीएम लेंगे 3, 21 + 8, 44 × 29/3। तो अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12/76/3। अब इसको आप पॉइंट में भी कर सकते हैं या इसी तरह भी रख सकते हैं, सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया, ये है मेरा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर सिलेंडर और ये था मेरा हाइट। तो इसी तरह बनाना था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।